हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम पांडे। वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं आप सबकी डिमांड पर क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कोशिकाएं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो दिखने में कैसे होते हैं, और इनका क्या फंक्शन होता है, इनका काम क्या होता है सेल्स का। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल पर यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वन थिंग मोर यार, इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 to 7 का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एंड वो टॉप पर भी हैं वीडियोज। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो सिंपली इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज की लिंक मिल जाएगी, जाके देख सकते हो। चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर इधर लिविंग और नॉन लिविंग। तुमने ये ऑलरेडी सीखा है कि जो चीजें हमारे अगल बगल होती हैं वो या तो जीवित हैं या तो वो नॉन लिविंग है, मतलब या तो वो जिंदा है या तो वो नॉन लिविंग है, जिनमें जान नहीं होती है। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। आगे तुम्हें यह भी याद होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ बेसिक फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, मतलब वो कोई ना कोई काम जरूर करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी पहचान ही होती है कि ये कोई ना कोई फंक्शन करते ही हैं। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस, क्या तुम इन कामों के लिस्ट बना सकते हो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन कौन सा काम करता है? हाँ, बहुत सारे हो गए, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, बच्चे पैदा करता है, वो खाने को डाइजेस्ट करता है, वो मूव करता है, वो सांस लेता है, रिस्पायरेशन जिसे हम कहते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते ही करते हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। अब इन सारे काम को करने के लिए ना अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारी शरीर में। जैसे हमारे जो लंग्स हैं वो सांस लेने के लिए होते हैं, ठीक है, और हमारा जो माउथ है वो खाने के लिए होता है, जो हमारा स्टोमक है वो डाइजेस्ट करने के लिए होता है फूड। तो अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज द सेल। इस चैप्टर में हम बुनियादी इकाई के बारे में पढ़ेंगे कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, वो कौन सी चीज होती है जिनसे ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है। क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी नोज, माउथ, हेयर्स, हमारे टीथ, इन सब से ही तो मिलकर बना है ना एक ह्यूमन बॉडी। तो ये जो ऑर्गन्स हैं वो किन चीजों से मिलकर बने हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो कौन सी चीज है, विच इज द सेल। कोशिकाओं से मिलकर बना है एक ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, चाहे वो प्लांट्स हो गया, चाहे वो एनिमल्स हो गया, चाहे वो ह्यूमंस हो गया, जो सबकी जो बुनियादी स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जो सबसे छोटी चीज जिनसे ये सारी ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको हम सेल कहते हैं। समझ गए ना, सेल्स मे बी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल्स को हम ईटों से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक बिल्डिंग्स। हम ईटों को इकट्ठा करते हैं, हम ईटों से एक बिल्डिंग को बनाते हैं। सिमिलरली सेम इसी तरीके से सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही हम सेल्स को इकट्ठा करके हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, उसका हम एक बॉडी बनाते हैं, और ये बॉडी किससे बनता है, सेल्स से बनता है। समझ गए ना, सेल कहीं ना कहीं ईंटों का काम करता है, क्योंकि ईंट से हमारा घर बनता है, हमारी बिल्डिंग बनती है, और सेल्स से हमारा शरीर बनता है, हमारी बॉडी बनती है। नाउ 8.1 टॉपिक डिस्कवरी ऑफ द सेल, मतलब सेल की खोज किसने की, वो कौन महापुरुष था जिसने सेल की खोज कर दी और हमारे लिए एक नया चैप्टर बढ़ा दिया। रॉबर्ट हुक, उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट 1665 ईयर था, उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, उन्होंने कॉर्क के छोटे छोटे टुकड़ों को माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखा। अब कॉर्क का मतलब क्या होता है, कॉर्क का मतलब जो पेड़ का छिलका होता है ना, बार्क जिसे हम कहते हैं, उन बार्क से मिलकर बनता है हमारा कॉर्क,
और रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का हिस्सा लिया और उसे मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे रख दिया। मैग्नीफाइंग डिवाइस मतलब जो चीज़ें छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाती हैं उनको हम मैग्नीफाइंग डिवाइस कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को, जो कॉर्क का एक हिस्सा था, उसको मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर रख दिया ताकि उसे अंदर की चीजें भी दिख सकें। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। हमने बताया आपको कि कॉर्क क्या होता है, कॉर्क एक हिस्सा होता है पेड़ के छिलके का। बार्क का मतलब आप समझ रहे हो ना, पेड़ का जो कवरिंग होता है, जो आउटर कवरिंग होता है, उसको हम बार्क कहते हैं। और बार्क का एक टुकड़ा होता है कॉर्क, और कॉर्क ही लिया था रॉबर्ट हुक ने ये स्टडी करने के लिए कि कॉर्क के अंदर क्या क्या होता है। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने पतले पतले टुकड़े कर दिए कॉर्क के, एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया और उन्होंने रिसर्च करना चालू कर दिया। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क के स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा ना, तो उन्हें कुछ ऐसा फिगर दिखाई दिया, देख रहे हो ना, और उन्हें एक पार्टीशन बॉक्सेस, आप देख रहे हो यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप के बने हैं जिसे कंपार्टमेंट्स भी कहते हैं, आप ऐसे कह सकते हो, बस सीधा छोटे छोटे बॉक्सेस दिखे रॉबर्ट हुक को। ठीक है, आगे क्या हुआ, These boxes appeared like a honeycomb. अब ये जो boxes है ना, वो मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. उन्होंने देखा कि जो इस कॉर्क के स्लाइस में जो एक बॉक्स है, वो दूसरे बॉक्स से एक पार्टीशन से अलग किया गया है। आप देख रहे हो, एक दीवार टाइप की, एक बाउंड्री टाइप की बनी है जो दो बॉक्सेस के बीच में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। व्हाट हुक कॉइंड द टर्म सेल। अब जब इन्होंने इन बॉक्सेस को देखा रॉबर्ट हुक ने, तो रॉबर्ट हुक ने उनका एक नाम दे दिया, कह दिया कि ये जो बॉक्सेस हैं इनको हम सेल कहेंगे। ठीक है, हर बॉक्सेस को हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हु कॉइंड द टर्म सेल, किसने पहली बार सेल नाम लिया था। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल का नाम लिया था। व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। अब जो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर माइक्रोस्कोप लगाकर ये जो बॉक्सेस देखे थे, इस सेल्स को देखे थे ना, ये सारे सेल्स डेड सेल्स थे। डेड सेल्स कैसे थे, क्योंकि उन्होंने पेड़ के तने का जो बार्क था उसको निकाल लिया था। अब जब पेड़ से उसका जो छिलका होता है वो अलग हो गया, तब तो वो नॉन लिविंग ही तो हो गया ना, वो डेड सेल्स हो गए। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। अब डेड सेल्स और लिविंग सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, जो डेड सेल्स होता है वो हम किसी भी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन जो लिविंग सेल्स होता है उसके लिए हाईली डेवलप्ड इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप चाहिए, मतलब एक ऐसा माइक्रोस्कोप चाहिए जिससे हमें छोटी सी छोटी चीज भी दिख जाए, तब जाकर हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सेल है उसके बारे में हम पता कर पाए थे। ठीक है, सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। यहां पर यही बताया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जीवित वस्तुएं हैं, उनके सेल्स के बारे में हमने कब जाना, जब हम इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जब माइक्रोस्कोप बढ़ा, ठीक है, जब माइक्रोस्कोप और डेवलप हुआ, तब हमने इन लिविंग सेल्स के बारे में पढ़ना चालू किया। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। अब जब रॉबर्ट हुक ने एक बार डेड सेल्स को ऑब्जर्व कर लिया कि चलो ठीक है, इन बॉक्सेस को हम सेल्स कहेंगे, ठीक है, इसके बाद आने वाले 150 सालों तक, ठीक है, सेल्स के बारे में बहुत कुछ ज्यादा पता नहीं लगाया जा सका। ठीक है, टुडे, लेकिन आज वी नो अ लॉट अबाउट सेल। हम सेल्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि सेल दिखता कैसा है, हम सेल के फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि सेल क्या क्या काम करता है, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। और ये सब क्यों हो पाया है, क्योंकि आज हमारे पास डेवलप्ड माइक्रोस्कोप है, आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स हैं जो छोटी छोटी चीजों को भी बहुत अच्छे से बड़ा करके दिखा सकती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 8.2, द सेल, कोशिकाएं। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। चाहे जो बिल्डिंग में ईंट लगी हो
या हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, इन दोनों को हम बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स कहते हैं। मतलब ये जो ब्रिक्स हैं, ये जो ईट हैं और ये जो सेल्स हैं, ये बुनियाद हैं। इन्हीं चीज़ों से मिलकर हम बड़ी चीज बनाते हैं। जैसे ब्रिक्स, ब्रिक्स से मिलकर हम बिल्डिंग बनाते हैं और सेल्स से मिलकर किसी इंसान का या किसी जानवर का या किसी पेड़ का पूरा बॉडी बनता है। समझ में आया? द बिल्डिंग्स दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स, जो बिल्डिंग्स होती हैं वो एक जैसे ईट से बनाई जाती हैं, हैव डिफरेंट डिजाइंस, लेकिन उनकी डिजाइंस अलग होती हैं, उनकी शेप एंड साइजेस अलग होती हैं, उनका आकार अलग अलग होता है। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड, सेम उसी तरीके से हम जीवित दुनिया में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो दुनिया है ना, ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, हम पेड़ों से अलग दिखते हैं, हम जानवरों से अलग दिखते हैं, बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। लेकिन जो सारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, चाहे ह्यूमन बींग्स हो गए, वो बनते किससे हैं? वो सेल्स से ही बनते हैं, वो कोशिकाओं से ही बनते हैं। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स, अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो सबसे छोटी यूनिट होती है जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है, ये सेल्स क्या होती हैं? ये कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। मतलब ये एक जिंदा ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है। मतलब ये जो सेल्स होती हैं ना, ये बढ़ती हैं, कभी डेड हो जाती हैं। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेव करता है, सेम वैसे ही ये लिविंग सेल्स बिहेव करता है। ये ईंटों की तरह नहीं होता, हमने एक बार ईंट लगा दी, हमने एक बार बिल्डिंग बना दिया, तो सालों साल वो बिल्डिंग उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो सेल्स हैं वो डे बाय डे बढ़ते रहते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर सेल्स कम होते हैं, हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर सेल्स ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब ये पहली पूछ रही है कि अ हेंस एग कैन बी सीन इजली, जो एक मुर्गी का अंडा होता है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल? अब ये जो मुर्गी का अंडा है, क्या ये एक सेल है या पूरे सेल्स का समूह है? चलो हम पहली को बताते हैं। द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल, जो मुर्गी का अंडा होता है वो केवल एक सेल होता है, एंड इज बिग एनफ, और ये इतना बड़ा होता है कि हम इसे बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं, हम इसे अनएडेड आई से देख सकते हैं, मतलब एक ऐसी आंखों से देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप लगाए, एकदम खुली आंखों से हम मुर्गी के अंडे को देख सकते हैं और वो एक सेल है। अब आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये बगल में जो फिगर ए है इसमें ईटों का स्ट्रक्चर है, और जो फिगर बी है ये सेल्स का स्ट्रक्चर है। आप कभी ओनियन पील, आपके बायोलॉजी टीचर आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप के अंदर ना आपको कभी प्याज के छिलके को स्टडी करने को बोलेंगे, आप कभी माइक्रोस्कोप के अंदर ना प्याज के छिलके को रख के देखो, आपको जैसा बी वाले में फिगर दिखाया गया ना, सेम वैसा ही आपको दिखेगा। नाउ आगे पढ़ते हैं हम टॉपिक 8.3। ऑर्गेनिजम्स सो वेराइटी इन सेल नंबर्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अलग अलग सेल के नंबर्स हो सकते हैं। मतलब जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कम सेल्स होते हैं, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल की संख्या ज़्यादा होती है। शेप एंड साइजेस, सेल की संख्या और सेल का जो आकार होता है वो भी घटता रहता है, वो भी बढ़ता रहता है। समझ में आया? अब इसी के बारे में हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो लिविंग सेल्स को कैसे स्टडी करते हैं? हम इंसानों के अंदर या हम ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं इनको कैसे स्टडी करते हैं साइंटिस्ट? तो हम इसका आंसर देते हैं कि दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स, विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, ये माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं जो चीजों को छोटी से बड़ा दिखाता है। अब इसके अलावा वो क्या करते हैं? डाइस, स्टेन्स, मतलब आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स। अब क्या होता है, ये आपको स्लाइड दिख रही है, स्लाइड में इन्होंने थोड़ा सा दाग लगा दिया है, थोड़ा सा धब्बा लगा दिया है, ताकि इन धब्बों से क्या होता है, जो सेल्स के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होते हैं ना, ये तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं इन स्टेन से, इन धब्बों से, जिससे सेल और भी कॉन्ट्रास्ट दिखाई देने लगता है, और भी अच्छी तरीके से दिखाई देने लगता है। और इस तरीके से जो साइंटिस्ट होते हैं वो लिविंग सेल्स को स्टडी करते हैं। आगे देखते हैं,
There are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. Their organs also vary in shape, size and number of cells. हम जानते हैं कि कई लाख living organisms हमारे इस धरती पर पाए जाते हैं. They are of different shapes. वो अलग अलग shape and size के होते हैं, मतलब उनका आकार अलग अलग होता है. जैसे हम इंसानों का आकार अलग है, लेकिन पेड़ों का आकार जो होता है, पेड़ों की जो size and shape होता है, वो अलग होता है. देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप एंड साइज. अब इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, अलग अलग जीवित वस्तुओं का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, उनका अलग अलग सेल नंबर्स होता है. मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सेल्स की संख्या कम होती है, लेकिन जो वहीं पर बड़ा हो गया वो बच्चा, तो उनमें जो सेल्स की संख्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है. लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम. हम ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में चलिए पढ़ते हैं. तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर ऑफ सेल्स. मतलब हम उन ऑर्गेनिजम्स को के बारे में पढ़ेंगे जिनमें नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं और जिनमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होते हैं. कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? क्या तुम पता लगा सकते हो कि एक लंबा पेड़ या एक हाथी के अंदर कितने सेल्स होते हैं? द नंबर रन्स इंटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस. आप सोच भी नहीं सकते हैं कितने हजार करोड़ सेल्स होते हैं एक लंबे पेड़ के अंदर और एक हाथी के अंदर. अब बिलियंस एंड ट्रिलियंस क्या होता है, आप नीचे देखो. अ बिलियन इज अ थाउजेंड मिलियन. एक बिलियन हम किसे कहते हैं? हजार मिलियन को. थाउजेंड मिलियन को हम एक बिलियन कहते हैं. अब एक मिलियन में दस लाख होता है, तो आप समझ सकते हो एक हजार मिलियन में कितने होते होंगे. आप समझ रहे हो? और ट्रिलियन का मतलब तो पूछो मत, हम गिन भी नहीं सकते, इतने सारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. हमारे इंसान के शरीर के अंदर कई हजार करोड़ सेल्स होते हैं, विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस, जो कि अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं. जैसे हमारे नोज का सेल अलग शेप एंड साइज का होता है, हमारे लेग्स का सेल अलग शेप एंड साइज का होता है. डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस. अब ये जो सेल्स होता है, इनका अलग अलग ग्रुप अलग अलग काम करता है. ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. नाउ ये हमारा आ गया कि ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर. हमने ये चैप्टर टू में भी पढ़ा है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. मल्टी का मतलब बहुत सारे और सेलुलर का मतलब सेल्स, कोशिकाएं. वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स हों, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. जैसे हम इंसान हो गए, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं. द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं या जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनमें भले ही सेल्स की संख्या कम होती हो हम इंसानों के मुकाबले, लेकिन हम इंसान जितना काम करते हैं, हम इंसान सांस लेते हैं, वो छोटे छोटे जानवर भी सांस लेते हैं. हम इंसान रिप्रोड्यूस करते हैं, हम इंसान बच्चे पैदा करते हैं, वो छोटे छोटे जानवर जिनके अंदर सेल्स की संख्या कम होती है ह्यूमंस के कंपेरिजन में, वो भी बच्चे पैदा करते हैं. मतलब उनके काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता. भले ही सेल्स की संख्या कम है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उनके काम पर. जो काम हम कर सकते हैं, वो काम वो भी कर सकते हैं. आगे हम पढ़ते हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट. तुम्हें आश्चर्य होगा ये जानकर दैट एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियंस ऑफ सेल्स बिगिन लाइफ एस अ सिंगल सेल. आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि वो जीव या जंतु जिसके पास आज हजारों करोड़ों की संख्या में सेल्स हैं, जैसे हम इंसान, आज हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं, इतने सेल्स हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म विथ बिलियंस ऑफ सेल्स, वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास आज हजारों करोड़ों सेल्स हैं, उसने अपनी जिंदगी का शुरुआत भी सिंगल सेल से किया था. मतलब हमारे शरीर में सबसे पहले एक सेल था, उसके बाद सेल की संख्या बढ़ती गई, और जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती गई, हम इंसान बड़े होते गए. ठीक है, जब सेल की संख्या छोटी थी तो हमें लोग कहते थे कि तुम अभी छोटे बच्चे हो. ठीक है, अब जैसे जैसे बढ़ते गए हम, तो हम बड़े होते गए और हमारे अंदर सेल्स की संख्या और ज्यादा बढ़ती गई. क्या आपको पता है, जब कोई भी लेडी
कोई भी गर्ल प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। हम कहते हैं ना कि कोई भी औरत प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके अंदर केवल एक सेल होता है, उसके बाद पूरे 9 महीने लगते हैं उन सेल्स को और मल्टीप्लाई होने में। सेल्स की संख्या बढ़ती है तो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, हमारे नोज बनते हैं, हमारे हैंड्स बनते हैं, हमारा पेट बनता है, हमारा मुंह बनता है जिससे हम खाते हैं। तो समझ गए, यहां पर बस इतना ही बताया गया है कि कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो जाए, कितने भी ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स उसके अंदर हो, लेकिन उसकी जिंदगी का शुरुआत एक सेल से हुआ है, सिंगल सेल से हुआ है। समझ गए ना, विच इज द फर्टिलाइज्ड एग। अब उस सिंगल सेल का नाम क्या है? फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग का मतलब आप समझ सकते हो, जब मेल और फीमेल जैमेट्स एक साथ मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग, मतलब कि अब लेडी प्रेग्नेंट हो गई है। अब ये जो एग है, ये जो सेल है, अब ये डिवाइड होगा, अब बहुत सारा डिवाइड होके हमारा मुंह बनाएगा, हमारा नाक बनाएगा, हमारे हेयर्स बनाएंगे, ये सब। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं कि द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। हम जानते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि जैसे जैसे ये जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग का मतलब आप इतना टेंशन मत लेके चलो, आप मान के चलो फर्टिलाइज्ड एग का मतलब केवल एक सेल, सिंगल सेल। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म और डेवलप करता है, तो जो सेल्स की संख्या होती है वो हमारे अंदर बढ़ती जाती है। लुक एट फिगर 8.3, ये फिगर को देखिए 8.3 को। बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म है, पहला वाला ऑर्गेनिज्म ये अमीबा है और जो दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म है ये पैरामीसियम है, दोनों सिंगल सेल से बने हुए हैं। इसी के लिए द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी के लिए वो ऑर्गेनिजम्स या वो जीव जंतु जिनके अंदर केवल एक सिंगल सेल होता है, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब, यूनि का मतलब एक और सेलुलर का मतलब सेल, केवल एक सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब यहां तक कि जो वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास केवल एक सेल होता है, वो भी अपनी सारी जरूरी फंक्शंस, सारे जरूरी काम करता है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स करता है। ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं ना, तो ये अमीबा, ये पैरामीसियम जो सिंगल सेल के होते हैं, ये भी सांस ले सकते हैं। हम इंसान जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, हम इंसान जैसे अपनी आबादी को बढ़ा सकते हैं, वैसे ही ये जो अमीबा है, ये पैरामीसियम है, वो अपनी आबादी को बढ़ा सकते हैं। कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे ये खाना खाते हैं, हम ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, जो एक सेल का जीव होता है, जो एक सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, वो अपने खाने को कैप्चर करता है और उसे पचाता भी है। ये जो अमीबा होता है जिसके पास केवल एक सेल होता है, वो रिस्पायर भी करता है, वो सांस भी लेता है। ये जो अमीबा है वो एक्सक्रिएट भी करता है, मतलब जैसे हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं ना, वैसे ये अमीबा भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। ये अमीबा भी बढ़ता है जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं। ये अमीबा जिसके पास केवल एक सेल होता है, ये भी क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, वो भी बच्चे पैदा करता है जैसे हम इंसान करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पूरा फिगर के साथ, पूरी वीडियो के साथ दिखाऊंगा, बट पूरी वीडियो को देखना, ठीक है, पूरे चैप्टर को देखना, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरीड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टीसूस। अब जो ये अमीबा है, जो पैरामीसियम है, ये जो काम एक सेल से कर लेते हैं, ये एक सेल से रिस्पायर भी करते हैं, मतलब सांस भी वो एक ही सेल से लेते हैं, ये रिप्रोडक्शन भी एक ही सेल से करते हैं, ये खाने को डाइजेस्ट भी एक ही सेल से करते हैं। लेकिन इसी तरीके से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो भी अपने जरूरी जो नेसेसरी फंक्शंस होता है, जैसे सांस लेना, खाना खाना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, रिप्रोड्यूस करना, ये सारी चीजें हम इंसान भी कर सकते हैं। लेकिन हम इंसान को ये सारी चीजें करने के लिए बहुत सारे सेल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स की जरूरत पड़ती है। नाउ ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं फॉर्मिंग डिफरेंट टीसूस, सेल्स से मिलकर टीसूस बनती हैं, टीसूस से मिलकर
ऑर्गन बनता है, हमारा अंग बनता है, और अंगों से मिलकर हमारा एक शरीर बनता है। ओके, तो आगे की जितनी भी चीजें हैं, शेप ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ सेल्स तो हमने पढ़ लिया है, शेप ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल्स, अमीबा और पैरामीशियम जिसके बारे में हमने पढ़ा, वो कैसे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम वीडियो से ही दिखाएंगे, बट अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।